दोपहर में देखे गए सपने होते हैं सच, जानिए क्या कहता है स्वप्न शास्त्र। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। स्वप्न शास्त्र में माना गया है कि व्यक्ति द्वारा देखा गया सपना उसके भविष्य के बारे में कुछ ना कुछ संकेत दे सकता है। कहीं ना कहीं सपने में घटने वाली घटनाओं का संबंध व्यक्ति के जीवन से भी होता है। कई बार हमारे द्वारा देखे गए सपने सच होने लगते हैं। स्वप्न शास्त्र हर सपने द्वारा मिलने वाले संकेत के बारे में तो बताता ही है, साथ ही यह भी बताता है कि किस समय देखे गए सपने सच हो सकते हैं। स्वप्न शास्त्र में माना गया है कि समय के आधार पर यह तय किया जा सकता है कि सपना सच होगा या फिर नहीं। कई बार जो सपने दिखाई देते हैं वह सच होते हैं। स्वप्न शास्त्र की माने तो रात में 10 बजे से 12 बजे के बीच देखे गए सपने का कोई फल नहीं होता है, क्योंकि वह आम तौर पर दिन में हुई घटनाओं पर आधारित होते हैं। वहीं कुछ सपने विचारों पर आधारित होते हैं। वहीं दोपहर में देखा गया सपना केवल विचारों और अचेतन मस्तिष्क की कल्पना पर ही आधारित होते हैं, इसलिए उनके सच होने की संभावना बेहद ही कम हो जाती है। स्वप्न शास्त्र में माना गया है कि जो सपने हम रात्रि में 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे के बीच में देखते हैं उनके सच होने की संभावना अधिक होती है। माना गया है कि यह सपने 1 साल के भीतर सच हो सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच देखे गए सपने के सच होने की संभावना सबसे अधिक रहती है। स्वप्न शास्त्र में माना गया है कि यह सपने 1 से 6 महीने के बीच आपके सच हो सकते हैं। यदि आपको भी इस दौरान सपने आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर इस दौरान आए हुए सपने आपके पूरे हुए हैं तो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। धन्यवाद।